है गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी F54 5G जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, इस स्मार्टफोन को मैं कंपेयर करने वाला हूँ मोटो एज 40 5G के साथ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों फ़ोन्स में क्या क्या डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज हैं। और बेसिकली मेरा मोटिव ये है इन दोनों स्मार्टफोन्स को कंपेयर करने का कि ये जो फ़ोन्स हैं ये अंडर 30,000 रुपीज़ में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। सो इन दोनों फ़ोन्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज हैं, कौन सा आपको सेलेक्ट करना चाहिए, वो सब जो कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा है वो मैं आपको आज इस वीडियो के बाद जो है वो एंड में क्लियर कर दूंगा। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F54 5G से। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और मोटो एज 40 5G में 6.55 इंच का POLED डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे गैलेक्सी F54 5G में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है एंड मोटो एज 40 5G में 144 हर्ट्ज का। जो प्रोसेसर है वो आपको गैलेक्सी F54 5G में एक्सिनॉस 13380 चिपसेट मिलता है एंड मोटोरोला एज 40 5G में आपको मीडियाटेक का डिमेंसिटी 8020 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोनों ही में आपको 8GB रैम प्लस 256GB रोम का मैक्सिमम सपोर्ट मिल जाएगा। गैलेक्सी F54 5G में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। वहीं आपको मोटो एज 40 5G में 50 मेगापिक्सल का मेन, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का कैमरा दिया गया है। दोनों ही में फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और जो बैटरी है वो आपको गैलेक्सी में 6000 mAh का एंड मोटो एज 40 में 4000 mAh का बैटरी मिलता है। चार्जर जो है वो आपको गैलेक्सी F54 5G में 25 वॉट का मिलता है एंड मोटो एज 40 5G में 68 वॉट का। दोनों ही में आपको एंड्रॉयड 13 मिल जाता है। गैलेक्सी F54 5G में One UI 5.1 का सपोर्ट मिलता है एंड मोटो एज 40 5G में स्टॉक एंड्रॉयड वाला फंक्शन मिलने वाला है। दोनों ही में आपको डुअल बैंड वाईफाई और जो ब्लूटूथ का वर्जन है वो आपको गैलेक्सी F54 5G में ब्लूटूथ 5.3 एंड मोटो एज 40 5G में ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलेगा। दोनों ही में USB टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है एंड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो सैमसंग गैलेक्सी F54 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है एंड मोटो एज 40 5G में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रखा गया है। दोनों ही का जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है, स्टार्टिंग प्राइस 29,999 रुपीज़। सो गाइज, यहाँ पे इन दोनों का जो स्पेक्स कंपेरिजन है वो मैं साइड बाई साइड को कर दिखा दिया हूँ, बट जो की डिफरेंसेस है वो मैंने कंपेरिजन में ही बताया है, बट वो की डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है इन दोनों फोन्स में। तो सबसे पहले डिस्प्ले पे आते हैं। सैमसंग गैलेक्सी F54 5G में आपको 6.78 इंच का जो आपको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। वहीं अगर आप जाते हैं मोटो एज 40 में तो उसमें आपको 6.55 इंच का POLED डिस्प्ले मिलता है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो ये हो गया पहला डिस्प्ले में डिफरेंसेस। दूसरा डिफरेंस आपको चिपसेट में देखने को मिलता है। सैमसंग में आपको एक्सिनॉस 1380 चिपसेट मिलता है एंड जो मोटोरोला एज 40 है इसमें आपको मीडियाटेक का डिमेंसिटी 8020 चिपसेट मिलता है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस कैमरे में, सैमसंग में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। वहीं मोटो एज 40 5G में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। ये हो गया तीसरा कैमरे में डिफरेंस। चौथा डिफरेंस है बैटरी एंड चार्जर में। सैमसंग गैलेक्सी F54 5G में आपको 6000 mAh का बैटरी मिलता है 25 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ, बट यहाँ पे जो मोटो एज 40 है इसमें आपको 4000 mAh का बैटरी मिलता है 68 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ। और जो फाइनल डिफरेंस है वो है फिंगरप्रिंट में। सैमसंग F54 5G जो है इसमें आपको साइड माउंटेड मिलता है एंड मोटो एज 40 में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। सो गाइस, यही जो है वो चार पांच जो है वो की डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन्स में। और मेरा मानना यह है कि ये दोनों फ़ोन जो है वो अपने अपने सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन है, बट अगर आपको कोई एक फ़ोन सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं मोटो एज 40 के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्ले के साथ साथ परफॉर्मेंस वगैरह भी काफ़ी इन्हेंस और ज़्यादा देखने को मिलेगा मोटो एज 40 5G में। सो गाइज, अगर आपको मेरे ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।